प्रेशपाल हत्याकांड के बाद अब माफिया डॉन अतीक अहमद के होश उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार अतीक के एनकाउंटर का जिक्र कर रहे हैं। तो उस वक्त जब अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज पूछताछ के लिए लाने की तैयारियां चल रही हैं, आपको हम एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अतीक अहमद के एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जो अधिकारी उसका काउंटर करेगा उसके उसका सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। बीजेपी नेता का यह बयान सुनकर अतीक अहमद के तो होश फाख्ता हो गए होंगे। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक को एनकाउंटर के ख्वाब आ रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने की तैयारियां चल रही हैं। अदालत में रिमांड अर्जी देने की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है और इसके लिए जरूरी कागज भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जो बयान आ रहे हैं वो अतीक के मन में दहशत बैठाने वाले हैं। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है और 58 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर करती है। फिर यूपी के सीएम योगी का बयान आता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अतीक अहमद के करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगता है और फिर कुछ घंटों बाद उमेश पाल हत्याकांड में शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। बाकी बचे 5 शूटरों की तलाश तेजी से चल रही है। यूपी पुलिस की पूरी 22 टीमें लगी हैं। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, राइफलधारी साबित, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और बाइक सवार अरमान पुलिस की पकड़ से दूर है। तो क्या अब जो भी मिलेगा उसका एनकाउंटर होगा? साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और प्रयागराज बाल संरक्षण गृह में अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं। तीसरे नंबर के असद का हाथ शूटआउट में शामिल होने का दावा है। दावा इस बात का भी कि असद नेपाल भाग सकता है। तीनों बेटों बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ और खुद अतीक अहमद तक के एनकाउंटर में मारे जाने का डर परिवार वाले जता रहे हैं। अब अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। पुलिस कह रही है वो बाल संरक्षण गृह में है, लेकिन पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों को शक है। आज तक ब्यूरो।